तो लंच करने के बाद हम सीधे चले आए हैं नोवेट विलेज में। यह सुंदर सा नोवेट विलेज हमारे कार ड्राइवर कम हमारे गाइड, वो हमारे गाइड भी है, उन्होंने बताया कि ये नोवेट में एक सुंदर सा व्यू पॉइंट है और उसको नोवेट व्यू पॉइंट ही बताता है। यहाँ से 1 मिनट का रास्ता है, हम चलते जाएंगे। नोवेट ये यही गांव है जो गांव के लोगों को रूट के बारे में, ट्री रूट्स और ट्री बीजेस के बारे में ट्रेनिंग दिया गया था, तो वो यही गांव के लोग हैं। ये छोटा सा रास्ता है, ये हमें लेके जा रहा है नोवेट व्यू पॉइंट, वहाँ जाके मैं फिर कैमरा ऑन करता हूँ। तो हम लोग व्यू पॉइंट के एंट्रेंस में पहुँच चुके हैं। इट इज़ रियली अ 2 मिनट वॉक फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे हमने कार पार्क की है। मुझे बताया गया है कि ये सबसे बढ़िया व्यू पॉइंट है। मैं भी बहुत उत्सुक था ये चीज़ें, ये व्यू पॉइंट देखने के लिए, और मैं यहाँ पे आ पहुँचा हूँ। देखिए सूरज की किरणें ट्रीज और ब्रांचेस के थ्रू आती हुई, वाह। ये देखिए यहाँ पे मुझे मचान दिख रहा है। मैं थोड़ा सा मचान को आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा, नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए मचान, ये इसका फर्स्ट हाफ स्टेज है। दिस इज़ फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ सेकंड स्टेज, और एक मचान मैं ऊंचाई पे दिख रहा हूँ। ये पेड़ों पे बनाया हुआ मचान है। खासियत ये है कि सभी चीज़ें जो यूज़ की है वो नेचुरल है, बाम्बू की बनाई हुई है। देखिए ये जो बेंच कितना सुंदर बनाया है, जो गोल बेंच बनाया है। ट्रीज ऊपर का भी आप देखोगे दिखने में सुंदर रहता है, एंड इट वोंट डिस्टर्ब द नेचर, इनफैक्ट इट हेल्प्स यू इन प्रिजर्विंग द नेचर। सबसे मुझे अच्छी बात जो यहाँ पे लगी है मेघालय की, वो तो क्लीनलीनेस है ही, लेकिन लोग नेचर के प्रति बहुत आश्वस्त हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी टूरिस्ट भी दिख रहे हैं। तो होना है कि ये स्पॉट हो गए। हाँ, ये एंट्रेंस है, सेकंड एंट्रेंस है, जो फर्स्ट एंट्रेंस था ये सेकंड एंट्रेंस है। और मुझे यहाँ पे ब्रिज दिख रहा है जो लकड़ी से बनाया गया है, लकड़ी से मतलब बाम्बू से बनाया गया है। पूरा ब्रिज बाम्बू से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा। चलो मैं इसे वॉक करके आगे जाता हूँ। ये देखिए पूरा बाम्बू का वन, देखिए बाम्बू का वन, इसकी नेचुरल जो ग्रोथ हुई है और जो नेचुरल यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते हो। थोड़ी सी आवाज़ मेरी आज भी ख़राब है, थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ है मैं आपको बताऊँ। बहुत मज़ा मुझे आ रहा है यहाँ से चलते चलते। देखिए मैं इसका डेप्थ भी दिखा दूँ कि नीचे क्या है। ओहो डेप्थ करीबन मुझे 10 मीटर की लग रही है। और ये देखिए यहाँ पे खाई है, मुझे अभी अभी पता चला है। एक्चुअली संगीता मेरी वाइफ है, वो मुझे इस सब चीज़ों में बहुत मदद करती है, तो उसने इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है और उसने बताया कि ये जो प्रॉपर्टी ये प्राइवेट पर्सन की है, और हो सके तो वो अपने साथ में यहाँ पे आएंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, उनका नाम
क्या है और ये चीज़ें यहाँ की है। ये देखिए मामू से कितना सुंदर बनाया है, ये रेलिंग देखिए, ये नीचे का प्लेटफॉर्म जो बनाया वो देखिए, ये देखिए प्लेटफॉर्म कितना सुंदर है। और ये व्यू पॉइंट्स, ये देखिए ये व्यू पॉइंट्स। संगीता वो आए हैं क्या, वो मालिक जो बात कर रहे थे अपन, है क्या वहाँ पे? यहाँ पे हेलो सर, प्लीज कम सीट, आइए आइए। अरे नमस्ते सर जी, बैठिए। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या नाम है आपका? नाम रावल। एक मिनट मैं आपको माइक देता हूँ, बीच में आप रखिए माइक, से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। ये लीजिए, जस्ट होल्ड इट। क्या नाम है आपका? नाम ड्रंगवल, DRONGWELL, ड्रंगवल। ड्रंगवल ड्रंगवल टाइटल खंक्रम। वेरी गुड। आप क्या बता रहे थे इसके बारे में, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ओके, मेक दिस 2013। ओके 2013 इज सपोर्ट द बम्बू, सपोर्ट द ट्री, इज people income here, capacity 7-8 at a time. Okay. Is the me not stand here, me can go there. Ah. Is the pull more people. Me tension. I want the people not fall. I want the people enjoy. Sir. Enjoy. Is me planning. Is 6 years back. Me tension. No? Is the pull fall. Is the me not good. No? Okay. Is the 2 years. Me planning is the big platform. Big platform, big platform. Okay. Is the now. 2 year, 100-200 people, no problem. No problem. Okay. Is 22 lakhs he has spent. How many spots? How many 22 lakhs he has spent. 22 lakhs he has spent. Okay, very good. अभी अपना थोड़ा सा spot पे जाके हमें थोड़ी सी information, हम ये interview को continue करते हैं। हाँ, आप मुझे थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि ये क्या क्या है। आ जाइए, मुझे सबसे पहले बताइए कि ये स्पॉट का नाम क्या है। बांग्लादेश सिलेट डिस्ट्रिक्ट। नहीं नहीं, ये अपने स्पॉट का नाम क्या है? ये स्पॉट का नाम नौवेट व्यू पॉइंट। नौवेट व्यू पॉइंट। नौवेट व्यू पॉइंट। अच्छा, ये नौवेट विलेज है तो वहाँ का व्यू पॉइंट है आप बोल रहे हो। बांग्लादेश सिलेट डिस्ट्रिक्ट। ओके, सिलेट डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है? सिलेट डिस्ट्रिक्ट, सिलहट डिस्ट्रिक्ट। सिलहट डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश। ये तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में? हाँ, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश की सीमा हम देख रहे हैं यहाँ पे। अरे वाह 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 वाह। ये जो पानी दिख रहा है, पानी ये जंगल है ना, घर है, वो बांग्लादेश में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तालाब है बांग्लादेश का या नदी है, क्या है? एंड ये नदी है ना, ये इको पॉइंट। वेरी गुड, इको आ रहा है। इको कहाँ से आता है मुझे बताओ, कौन से हिल से इको आ रहा है? ये हिल से आ रहा है, ये पहले वाली इको से आ रहा है। एक बार फिर दे दोगे। या क्या, कितनी बढ़िया है, बहुत मजा आ रहा है। वन मिनट, आई अंडरस्टैंड कि यू डोंट अंडरस्टैंड मच हिंदी, लेकिन हम कवरेज जो है वो हिंदी से करते हैं। तो देखिए, हाँ ये जो है चेरापुंजी, उस तरफ चेरापुंजी इज ऑन द अदर साइड, उस तरफ है चेरापुंजी। सनसेट इज गुड हियर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और ये हिल्स कौन सी है जो हिल्स? ईस्ट खासी हिल्स। हाँ, खासी का जो ईस्ट पोर्शन है वो वहाँ की हिल्स है। हाँ, ये रिवर कौन सी है? खासमा रिवर। अच्छा अच्छा, इसमें पानी नहीं है ज्यादा, है ना? द मॉनसून सीजन ना, इन द मॉनसून सीजन। हाँ, 19 वाटरफॉल हियर, 19 वाटरफॉल। हाँ, 19 वाटरफॉल। हाउ मेनी? 19 वाटरफॉल। दिस वे। ओहो, सो बहुत ही अच्छा लगता होगा यहाँ पे। और कब टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, मॉनसून में आते हैं कि ये सीजन में आते हैं? सर, हियर इस ज्यादा नहीं है, कम है। इस ईयर ज्यादा नहीं है, सब मालूम नहीं। हाँ बराबर, ये कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है। कोरोना आया। हाँ, ओके, थैंक यू सर जी। ओके, गुड नाइट।